विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। कुछ राज्यों में तो कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट भी 5% से नीचे आ गए हैं, जबकि टेस्टिंग में भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बीच लॉकडाउन खोलने की भी चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली में व्यवसायियों के संगठन कैट ने 1 जून से बाजार खोलने की मांग की है। दिल्ली में करीब 1 महीने से पूरी तरह से काम धंधा ठप है। इससे कारोबारियों को तगड़ा नुकसान हुआ है। बार्कलेज की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में लॉकडाउन से करीब हर हफ्ते करीब $8 अरब का नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर ये नुकसान 5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा सकता है। हालांकि कुछ पाबंदियां जारी रह सकती हैं। ऐसे में कैट ने लॉकडाउन खोलने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। थोक बाजारों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खोला जा सकता है, जबकि रिटेल मार्केट्स को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जा सकता है। नाइट कर्फ्यू को अगले कुछ और हफ्ते तक लगाया जा सकता है। कैट ने रेहड़ी पटरी और साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि 1 जून से लॉकडाउन को कुछ पाबंदियों के साथ खोला जा सकता है। दिल्ली में 1 जून से क्या क्या छूट मिल सकती है? मसलन दिल्ली के बाजारों को पाबंदियों के साथ खुलने की मंजूरी मिल सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ दिल्ली मेट्रो को फिर से शुरू किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों को 50 मेहमानों के साथ शादी की इजाजत मिल सकती है। 50% संख्या के साथ दफ्तरों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। मॉल स्पा जिम पर पाबंदी जारी रह सकती है। हो सकता है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को अगले कुछ और हफ्तों तक जारी रखा जाए। अभी सिर्फ देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रोज आ रहे हैं। बाकी कई राज्यों में 5,000 से कम या उससे थोड़े ज्यादा मामले आ रहे हैं। दिल्ली यूपी पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट तेजी से गिरा है। दिल्ली महाराष्ट्र की तर्ज पर 1 जून से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन खोला जा सकता है।